हिमाचल की सबसे बड़ी आदर्श लाइब्रेरी जिसे खुले मात्र करीबन एक वर्ष हुआ है, यहाँ पर विद्यार्थी सुबह 6 बजे से ही आकर अपना ज्ञान बांटते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं। यही नहीं, इस एक वर्ष में यहाँ आने वाले पाठकों ने IAS, HAS, TGT और बहुत सी परीक्षाओं को पास किया है और वह मानते हैं कि वह सब इस पुस्तकालय से प्राप्त ज्ञान की वजह से ही हो पाया है। इस पुस्तकालय की सबसे अनोखी और दिलचस्प बात यह है कि यह सरकारी होते हुए भी इसे केवल विद्यार्थी ही चलाते हैं, जिसे खोलना बंद करना और इसका रख रखाव करना सभी विद्यार्थी ही देखते हैं और यही व्यवस्था ही अब विद्यार्थियों पर बोझ बनने लगी है और वह चाहते हैं कि इसका रख रखाव अब सरकार को देखना चाहिए। विद्यार्थियों का कहना है कि इस पुस्तकालय में वह सुबह 6 बजे पढ़ने के मूड से पहुँचते हैं, लेकिन लाइब्रेरी गंदी फैली देख कर उन्हें यहाँ पहले साफ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी देख रेख का जिम्मा विद्यार्थियों का है, इसीलिए वह बड़ी मुश्किल करके रख रखाव के लिए फंड जुटा पाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार गलत युवा भी यहाँ आ जाते हैं, जो यहाँ पर कई बार अश्लील हरकतें भी करते हैं, जिसे देख पाना भी उनके लिए संभव नहीं है, इसीलिए वह चाहते हैं कि सरकार इसका रख रखाव करे ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाए और किताबों की चोरी भी रुक सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि वह यहाँ सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध करे ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये अब बच्चे हम जो है सुबह पढ़ने के मूड से आते हैं, सुबह 6 बजे आते हैं तो हम यहाँ पर जब लाइब्रेरी देखते हैं और ऑब्वियसली बात है जब 300-400 बच्चा आएगा तो लाइब्रेरी गंदी भी होगी, थोड़ा बहुत सफाई भी करना पड़ता है और फिर सुबह हम सबसे पहले आके हमारे को सफाई करनी पड़ती है, फिर उसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है। कुछ बच्चे रूटीन से आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ रहे हैं और हमारे को जो कलेक्शन है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है और फिर स्वीपर भी हमारे को टाइम से नहीं मिल पाता, इसलिए हमारे को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। बुक हब के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कुछ समस्याओं उनकी हैं, जैसे कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी प्रशासन की ओर से नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ा इसके ऊपर हमें सहयोग करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ही इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। सुबह 6 बजे स्टूडेंट्स ही इसको लाइब्रेरी को ओपन करते हैं, शाम को 10 बजे स्टूडेंट्स ही इसको बंद करते हैं। दूसरा, जो भी यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, वो हम खुद ही देख रहे हैं और कलेक्शन करके 30-50 रुपये जितना भी हर मंथ हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको देखे थोड़ा फाइनेंशियली भी, और जो यहाँ पे सिक्योरिटी हैं और अदर जो भी यहाँ पे थोड़ी हमारी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। हम ये है कि हमारे पास कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। यहाँ पर वॉलेंटरीली जितने बच्चों से हो पा रहा है वो कर रहे हैं, पर जहाँ तक बात है यहाँ पर क्योंकि एक किसी ऑफिशियल अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी देख रेख में डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम देख नहीं पाते। कुछ है बुक्स, है बुक्स इतनी लाए थे यहाँ से चोरी हो गई, अब बुक्स चोरी हो गई उसका सारा जो भी है नुकसान है एक तरह का, ये तो विद्या का ही नुकसान है। तो कोई भी जो भी गलत बच्चे कोई भी आता है उसके रिगार्डिंग हमारे को थोड़ा सा ये करना है कि जो ओवर क्राउडिंग हो रही है, कोई ऐसे माल रोड पर घूम रहा है तो वो यहाँ के बैठ जाएगा, तो उससे बच्चों में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होती है कि भी नहीं।